हेलो दोस्तों, मैं पिछले दिनों एक वीडियो डाला हुआ था जो कि था कि ऑनलाइन आप बिजली पे कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी बिजली बिल एक महीने में कितनी खर्च हो पाई है दोस्तों। तो दोस्तों, उस पर मैंने अच्छे से एक वीडियो बनाया हुआ था जो कि मेरे दोस्तों को समझ में नहीं आई थी कि कंज्यूमर नंबर कहाँ से निकाली जाए, यानी कि उपभोक्ता संख्या नंबर कहाँ से निकाली जाए। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, पूरी फुल एक्सपेरिमेंट के साथ आपको बताने वाला हूँ कि कंज्यूमर नंबर के साथ साथ आप बिजली पे भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो मैं एक एप्लीकेशन के बारे में भी आपको बात करने वाला हूँ और साथ साथ आपको अपने बिजली कैसे चेक करनी है कि हमारी बिजली बिल एक महीने में कितनी खर्च हो पाई है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरे वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का मेरे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि सभी घरों में बिजली उपयोग होती है और सभी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, इसलिए मैं सबको सजेस्ट देने वाला हूँ कि आप अपने से कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी साइबर कैफे में नहीं जाना पड़ेगा, आप खुद से अपना बिजली पे कर सकते हैं और भी बिना किसी झंझट के। और हो सकता है कि दोस्तों, शायद अगर इसमें आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको ऑफर दे रही होगी, तो आपको 50% बिजली बिल पे करने में लेस भी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने वीडियो को शुरू कर देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ मेरा एक और चैनल जिसका नाम प्रिंस वरी ब्लॉग है, तो पहले आप जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि बिजली भी पे कैसे किया जा सकता है दोस्तों, वो भी अपने स्मार्टफोन से। ये स्मार्टफोन से आज मैं बताने वाला हूँ एक एप्लीकेशन के माध्यम से कि आप अपने किसी भी बिजली बिल को पे कर सकते हैं। ये बिजली बिल पे अब मैं बताने वाला हूँ क्यों केवल दोस्तों। तो दोस्तों, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो दोस्तों मैंने बताई हुई है आज बिजली बिल पे करने के तरीके, ये आपको नॉर्थ और वेस्ट दो तरीके होती है, नॉर्थ और साउथ दो तरह की बिजली चलती है। तो दोस्तों, ये मैंने आज नॉर्थ बिहार साउथ इंडिया के लिए बताया है। अगर आपको साउथ के लिए चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट में कमेंट बताएं, हमें पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं नॉर्थ बिहार से हूँ, इसलिए मैं आपको आज की वीडियो बिजली पे बिल चेक करने का तरीका आपको नॉर्थ बिहार का ही बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपको साउथ बिहार का चाहिए, अगर साउथ का चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, कमेंट में आपकी पूरी फुल रिप्लाई दी जाएगी दोस्तों। तो आइए वीडियो को देख लेते हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों। तो दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पर अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने कैमरे के साथ साथ। आज मैं मोबाइल से नहीं, अपने कैमरे के से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके बताने वाला हूँ, क्या ताकि हो सकता है दोस्तों की कहना ये हो सकती है कि आप वीडियो को बीच में कट करके शायद मोबाइल में वेरिफिकेशन कर चुके हैं दोस्तों। तो ये मैं कैमरे को अब लेकर के चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो आपको दोस्तों पहले मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना है, उसके बाद आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन होती है बिजली बिल पे करने की, एप्लीकेशन आती है, उसको इंस्टॉल कर लेने होंगे, जो कि एप्लीकेशन का नाम होगा बिहार बिजली बिल पे। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन दिख रही होगी, ये वाली एप्लीकेशन, ये वही एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले आप प्लीज़ प्ले स्टोर पे जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करें, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाइए बिल डिटेल्स। यहाँ पर ओपन करने के बाद मैंने एक बिल को पहले से चेक किया हुआ था, इसलिए मैं इस बिल को डिलीट कर देता हूँ। अब आपको क्या करने होंगे, यहाँ पे अप्लाई टू कंज्यूमर पे करना होगा। फिर से बैक आता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, आपको ओपन करने होंगे। ओपन करने के बाद आपको आ जाना होगा बिल डिटेल्स पे। बिल डिटेल्स पे आपके आने के बाद यहाँ पे आपको देगी ये कंज्यूमर आईडी डालने को। तो दोस्तों, कंज्यूमर आईडी कितने अंकों की होती है? तो दोस्तों, कंज्यूमर आईडी आपको 12 अंकों की होती है, 12 डिजिट में आपकी कंज्यूमर आईडी आती है। तो वो कंज्यूमर आईडी आपको कहाँ दिखेगी? तो दोस्तों, जो अभी आपको बिल विपत्र दिख रही होगी, इस क्वालिटी की बिल विपत्र में आपको 12 डिजिट वाली आपकी जो कंज्यूमर आईडी है वो शो कराई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो मैं अभी स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, यही मेरा उपभोक्ता संख्या यानी कि 12 डिजिट का बिल विपत्र संख्या है दोस्तों। तो इस बिल विपत्र संख्या को अब मैं डालने वाला हूँ इस एप्लीकेशन के अंदर। तो ये एप्लीकेशन को मैंने पहले से ही इसमें नोट करके रख लिया हूँ, तो इसलिए मैं अब इसको डालने वाला हूँ इसके अंदर। तो ये हो गई हमारी 14 अंकों की होती है, 12 51 0 38 31 514। तो ये मैंने डाल दिया। डालने के बाद आपको वेरिफिकेशन कर देने होंगे, ऐसे जब करेंगे तो ये आपकी जो थोड़ी सी लोडिंग लेगी, उसके बाद में जब आपकी ये ओपन होगी तो ये आपसे एक मोबाइल नंबर मांगेंगे। तो ये मोबाइल नंबर आप कोई भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी मोबाइल नंबर को इसमें ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपकी वेरिफिकेशन कराने के लिए की जाती है, तो आप किसी भी नंबर को इसमें दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैंने अभी डाला है, थोड़ी सी लोडिंग में इसकी टाइम लगती है, तो देख लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये अब मैं हमारी खुल चुकी है। तो यहाँ पे आपको दिखा रही होगी हमारी नाम। तो ये देखिए दोस्तों, पूर्ण रूप से आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारी नाम शो कर रही होगी अभी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी नाम शो कर रही है प्रिंस कुमार।
उसके बाद में हमारी कंज्यूमर आईडी जो डाले हैं वो शो कर रही है। अब मैं बोल रही है कि यहाँ एक मोबाइल नंबर रजिस्टर करें, तो आप किसी भी मोबाइल नंबर को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी मोबाइल नंबर, तो मैं एक मोबाइल नंबर अपना इसमें रजिस्टर कर देता हूँ। तो ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया, तो ये मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर करने के बाद इसको कर देना है सेफ। सेफ करने के बाद जब फिर से आपको बाहर लेकर के आ जाएगी, और बाहर आने के बाद जब फिर से आप इस पर बिल डिटेल्स पे ओपन करेंगे तो आपको एक फाइल्स के रूप में शो कर देगी आपके नाम के साथ। आपके नाम के साथ यहाँ पे फाइल के रूप में शो कर देगी। यहाँ पे आपको ओपन इसको टचिंग करना है। टचिंग करने के बाद ये आपकी ये बिल बनकर के तैयार हो चुकी है। अभी आपको ये शो कर रही है कि हमारी बिल 54 रुपये एक मंथ की बनी हुई है। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, अगर यहाँ से आप बिल को पे कर सकते हैं, यहाँ पे बिल नीचे है। अगर आपको पूरी फुल डिटेल्स चाहिए कि हमारी इसके अगले मंथ में कितने खर्च किए हुए थे, तो यहाँ पर आपको व्यू डाउनलोड बिल्स पर क्लिक कर देने होंगे। और ये क्लिक करने के बाद ये आपको बोल रही है कि अब इस बिल को डाउनलोड कर लीजिए। तो ये बिल हमारी डाउनलोड हो रही है अभी, और डाउनलोड होने के बाद ये आपको पीडीएफ से ओपन होगी। तो यहाँ देखिए पीडीएफ से जब मैं ओपन करता हूँ इसको, तो ये हमारी पीडीएफ की लॉक मांगेगी अभी जो मैंने लगाया हुआ था। अब ये बिल हमारी ओपन हो चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये अब मैं हमारी बिल ओपन हो चुकी है। तो अब मैं आपको बारीकी से इसको सारे की सारी आपको डिटेल्स इसको चेक करा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी सारी की सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई है, आपको ध्यान से देख लेने होंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी नाम यहाँ पे प्रिंस कुमार, उसके बाद में पिता का नाम अनिल कुमार, उसके बाद में हमारी डिवीजन रस्कोल पड़ती है, तो रस्कोल, और हमारी पूरी डिटेल्स के साथ साथ यहाँ पर हमारी कंज्यूमर आई डी भी इसमें लिखी होगी। तो आपको कंज्यूमर आई डी भी इसमें मिल जाएगी। प्लीज़ आप ऐसे इसी तरीके से आप जाकर के चेक कर लीजिए, आपकी कंज्यूमर आईडी यहाँ पे दिख रही होगी। यहाँ पे आपको देख लीजिए 1251 जो अभी आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों 1251, यहाँ पे 1251038315 14, ये हमारी हो गई विपत्र संख्या। उसके बाद में यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, हमारी पिछले मंथ की कितने की बिजली की खर्च है वो भी दिखा देगी इसमें। उसके साथ साथ आप इस महीने का कितना आपका आया है पूरी डिटेल्स के साथ इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मेरा इस मंथ का केवल 54 रुपया अभी बना हुआ है, तो मैं इस मंथ में नहीं अगले मंथ में इसको पे करने वाला हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, मेरी सारी की सारी डिटेल्स इसमें शो कर रही है। मीटर की जो कितने होती है, मीटर की चार्ज वगैरह सब जोड़ करके हमारी 57 रुपये इस महीने की बिल बनी हुई है। अगर इसको पे करना चाहते हैं तो आप पीछे बैक आ जाइए, बैक आने के बाद आप इसको पे कर सकते हैं। यहाँ से बिल पे पे क्लिक करने के बाद ये आपको आपकी अमाउंट डालने को बोलेगी। उसके बाद में आप जिस सहारे डालना चाहते हैं, आप पेफोन पेटीएम किसी भी एप्लीकेशन से इसको पे कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा बिल चेक करने का तरीका। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ मेरे एक और चैनल जिसका नाम प्रिंस तिवारी ब्लॉग है, तो पहले आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में।